नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के सिदाई थाना क्षेत्र का है, जहां आज सुबह आलू से लगे अनियंत्रित हॉस्पिटल के समीप मरई कुंकी में चाय बिस्कुट की दुकान में जाकर टकरा गई, जिसमें एक महिला अनिता राजभर की मौके पर ही मौत हो गई, जो अपना आजीविका चलाने के लिए चाय बिस्कुट की दुकान खोली थी, जबकि मृतका का पति मदन राजभर बुरी तरह घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ड्राइवर मौका देख वहां से फरार हो गया, जिसके खिलाफ अस्थायी थाना सिदाई पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। सिधाई थाना क्षेत्र के पास 4:30 बजे हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ एक झोपड़ी में एक घुस गया है, तो मौके पर जाने पर देखा गया कि एक महिला अनिता नाम की हॉस्पिटल को चाहिए गया, तो उसकी डेथ हो चुकी थी और उनके पति मदन राजभर वो एडमिट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर, और इनके मुकदमा लिखा जा रहा है। सर, गाड़ी वाले के ऊपर क्या कार्रवाई? गाड़ी मुकदमा लिखा जा रहा है, ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश जारी है, इसे गिरफ्तार की हो जाएगी उसकी।